ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है, आराम से श्वास छोड़ते हुए एक और बार विपरीत दिशा में करेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ। एक और बार धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, और अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास स्तंभ संचालन का अभ्यास करेंगे। जिसे भी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से सिर के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों का हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में हो और कंधे शिथिल हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। अगला अभ्यास स्कंद चक्र अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के समान अंतर लेके जाइए, हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रखे और दोनों हाथों को कोने से मोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं कंधे पर और बाएं हाथ को बाएं कंधे पर स्थापित करें और दोनों कोने को छाती के सामने लेके आइए और धीरे धीरे दोनों कोने को घड़ी की सुई के समान घुमाइए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे, पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटिचालन का अभ्यास। दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर रखे, दोनों हाथों को सामने से Thank you.
वापस राइट, वापस लेफ्ट। सिर्फ इतना होल्ड करें कि फोटोग्राफरों को तकलीफ ना हो, वापस। नेक्स्ट, अगली क्रिया चिन को शोल्डर लाइन में लाने का प्रयास, राइट की ओर टर्न करें, घुमाए राइट को, वापस लेफ्ट की ओर, वापस राइट की ओर, वापस लेफ्ट की ओर, वापस राइट की ओर, वापस लेफ्ट की ओर, वापस गर्दन सीधी। चौथी क्रिया पूरा राउंड वन बाय वन, चिन थ्रोट लगाएं, श्वास लेते हुए राइट कंधे पर होकर गर्दन को घुमाएं, लेफ्ट की ओर से आगे लाएं और यहीं से रिवर्स करें, लेफ्ट कंधा पीछे, राइट कंधा आगे, फिर से चेंज, राइट की ओर से वन बाय वन, दो से तीन राउंड कम से कम प्रतिदिन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले इसका अभ्यास रोज करें, वापस पूरा राउंड करके रुकेंगे, रिलैक्स। हाथों को सामने रखते हुए जितना आप झुक सके उतना झुक जाएं, माथे को बैकवर्ड बेंड, पर आप जितना कर सकते हैं उतना करें, बहुत ज्यादा नहीं। फ्रॉम द पेल्विक रीजन यू विल बेंड बैक, आकाश की विशालता को देखते हैं, स्ट्रेच करें, पहले झुकना नहीं है, राइट हैंड गोज डाउन और अब राइट साइड थोड़ा झुक जाए, गर्दन घुमाए और अपने लेफ्ट हाथ को फॉर आर दी सिटिंग पोस्चर्स, काइंडली कंफर्टेबली सिट डाउन ऑन योर मैट्स नाउ। द हार्ड वंस आर डन, वी आर ओनली गोइंग टुवर्ड्स द सिंपलर वंस नाउ।
So the first posture we'll go for is Bhadrasana, which means a firm and an auspicious posture. This is very good for keeping the body firm and stabilizing the mind. It keeps the knees and hip joints healthy. It is especially beneficial for pregnant women. It acts on the abdominal organs and releases any tension in the abdomen, and benefits women by relieving abdominal pain often experienced during menstruation. A word of caution, please kindly avoid this practice in case of severe arthritis and sciatica. So kindly sit erect with the legs stretched out in front. This is called Dandasana. Slowly bring your hands by the side and make sure your spine is erect. Chest is open, spine is erect, belly is lightly tucked in. Breathing in and breathing out, Dandasana like a stick. Now slowly fold your right leg and bring your right heel to the perineum. Very slowly bend your left leg and join both the soles of the feet together. Make sure you're sitting comfortably and your spine is erect. If your spine is not erect, try to move your feet away from your body. This will give